गाइस आज मैं आपकी आंखों के सामने इस वाले शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करके दिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए, अपन अर्न पर क्लिक करें तो यहां पर अप्लाई नाउ का बटन आ चुका है। अब देखिए गाइस, आपको इस वीडियो को लास्ट तक इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि अभी के टाइम पर कई लोगों के शॉर्ट चैनल में रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है। ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कई लोगों के चैनल जो है उनमें फिक्स इन एडसेंस और चेंज एसोसिएशन की जो है प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, कई लोगों के चैनल्स में ये स्टार्ट वाली प्रॉब्लम आने लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने शॉर्ट चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस चैनल का नाम है सगर धाकड़ 279। एक घंटे पहले मैंने शॉर्ट डाला था, इस पर 2.6 के व्यूज आ गए। अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस चैनल पर हम जो है किस टाइप का कंटेंट अपलोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड आपके चैनल पर 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और किसी भी रीजन की वजह से आप उसको बेचना चाहते हैं, वो भी अच्छे प्राइस में, तो मैं खरीद लूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लोगों पर क्लिक करके आसानी से जो है अपर चैनल पर क्लिक कर दिया। ये यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है एंड आई थिंक मुझे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे फिर से जो है इसको रिप्रेस करना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 86 के सब्सक्राइबर है 110 वीडियोस में। अब यहाँ पर जो है ये कुछ लॉन्ग वीडियोस भी डाले हुए हैं। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में आऊँ तो पहले मैं आपको लेटेस्ट कंटेंट दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये बच्चा अपने पैसों को लेकर जा रहा था, लेकिन यार तभी इस बच्चे के पैसे बी वाली टोकरी में गिर गए। लेकिन ये क्या यार, ये सारे अब ये आपने देख लिया, यहाँ पर वॉइसओवर की गई है। ठीक है, लेकिन ये इस चैनल पर जो पॉपुलर शॉर्ट्स हैं उनमें जो है वॉइसओवर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। रानी हो तेरा लाया मैं, लाया मैं है ला। अब देखिए गाइस, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर ये आपको इस वीडियो से ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आप इस टाइप का शॉर्ट चैनल बनाओगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर YT स्टूडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 आवर में ठीक ठाक मतलब व्यूज आ रहा है, यहाँ पर 200,000 के समथिंग, और यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ का बटन आ चुका है। अब आप जो है क्रोम से भी अप्लाई कर सकती हैं एंड YT स्टूडियो ऐप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा, अपने सामने तीन ऑप्शन है स्टार्ट। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट में जो है स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक लंबा सा जो है पैराग्राफ आ गया, आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स पर क्लिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब देखिए, अपना जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीटली डन हो चुका है। अब देखिए गाइस, अपन जो है सेकंड स्टेप में आ चुके हैं। इसी में जो है कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर तीन ऑप्शन है। ठीक है, अब इन तीनों में से अगर आपने गलती से भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपके चैनल में जो है फिक्स इन एडसेंस और चेंज एसोसिएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको जो है क्लियर बता देता हूँ कि अगर आपके पास आपने पहले कभी एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको जो है पहले पर सेलेक्ट करना है, और अगर आपके पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको सेकंड को सेलेक्ट करना है, और आपको आई डोंट नो पर तो क्लिक करना ही नहीं है, मैंने ये कभी क्लिक करके देखा नहीं है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है, देखो मेरे पास तो पहले से एडसेंस है भाई, ठीक है, तो मैं जो है पहले को सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर जो है आगे नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को जो है अपने चैनल में रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आता है, तो वो क्यों आता है? देखिए, इसका सीधा सा आंसर है, अगर आपने अपने शॉर्ट्स में खुद वॉइस ओवर किया है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब दो चीजें हैं, या तो शॉर्ट वीडियो में जो आवाज है वो आपका होना चाहिए, या फिर जो वीडियो है वो आपका होना चाहिए, साउंड उस पर किसी और का। ये भगवान क्या जुलूम है। हाँ, तो गाइस मेरे पास जो है पहले से एडसेंस अकाउंट था, मतलब है मेरे पास एडसेंस अकाउंट, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट। अब अगर आपके पास जो है एडसेंस अकाउंट नहीं है तो देखिए, आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके किसी और का वीडियो देखकर एडसेंस अकाउंट बनाना सीख लेना। अगर मैं इस वीडियो में आपको एडसेंस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो है यस पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं जो है यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए, ये जो है मुझे क्रोम ब्राउजर पर लेकर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
मेरे जितने भी जीमेल आईडी हैं इनमें से कोई एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ ये जितनी भी जीमेल आईडी दिख रही है इनमें से मेरा एडसेंस अकाउंट किसी भी जीमेल आईडी से नहीं है, तो मैं यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करूंगा एंड। यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रोसेस है इस तरीके से लंबा हो जाएगा, मैं आपको क्रोम से करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा, अभी देखिए यहाँ मैं प्लस आइकन पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को जो है क्रोम ब्राउजर पर निकाल लूंगा एंड ये काम जो है सबको करना आता होगा, बस आपको यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर पर निकाल लेना है। यहाँ मैं लोगों पर क्लिक करके स्विच अकाउंट पर क्लिक करूंगा एंड जिस चैनल को मैं मोनेटाइज करने जा रहा हूँ उस चैनल को यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ मैं लोगों पर क्लिक करूंगा, अवर चैनल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करूंगा, उसके बाद रिटर्न टू स्टूडियो पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं क्रोम को सिलेक्ट करूंगा एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करूंगा। अब ये जो चैनल है वो किसी आपके मोबाइल में किसी और तरीके से निकलता होगा क्रोम ब्राउजर पर, मेरा जो है आईफोन है तो इसमें थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। यहाँ ठीक है मैं अर्न पर क्लिक करूंगा यहाँ सिंबल पे, तो यहाँ पर देखो पहला जो स्टेप है वो डन लिखा आ रहा है, स्टेप टू है ठीक है, इसको मुझे जो है स्टार्ट करना है। अब यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, अब सेम तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रहा है, मतलब लिखा आ रहा है ठीक है। तो देखिए यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस फॉर यूट्यूब टू कम्प्लीट दिस स्टेप, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास पहले से एडसेंस अकाउंट था तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप बना लेना भाई, सीख लेना ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी जीमेल आईडी आ गई, तो मेरा अकाउंट जो है मेरा एडसेंस अकाउंट इस वाली जीमेल आईडी से है, तो मैं इसको जो है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एडसेंस अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस बीच में बढ़ जाएगा ठीक है। फिर जो है आप मतलब थोड़ा सा जब आप एडसेंस अकाउंट बना के कंप्लीट करके नेक्स्ट करोगे तो इसी टाइप का इंटरफेस आएगा ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर मेरी सारी जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ठीक है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके चैनल का URL आ जाएगा ठीक है, और यहाँ लिखा आ जाएगा सेटअप अकाउंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ मैं आपकी आंखों के सामने स्टेप टू को जो है डन करके दिखा दूंगा। कई लोगों को जो है इसमें 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, कई लोगों को 14 दिन का टाइम लगता है, किसी किसी का 1 दिन में हो जाता है, और जैसे मैं हूँ मैं इसको 5 मिनट में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से एडसेंस अकाउंट है वो भी वेरीफाइड। ये देखिए कई लोगों को यहाँ पर टाइम लगता है ठीक है, मैंने इसको जो है एक ही झटके में डन कर दिया। अब बात करते हैं अपन थर्ड स्टेप की, ये कैसे डन होगा ठीक है। तो यहाँ पर जो बंदा वीडियो छोड़कर जा रहा है, वीडियो को छोड़कर मत जाइए क्योंकि आगे मैं आपको बहुत कुछ डीप नॉलेज बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेप है वो इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है ठीक है। अब ये कंप्लीट कैसे होगा, तो देखिए इसको मतलब आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजने से पहले आपके चैनल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है। और अगर आपके चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे इस वाले व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अब देखिए YouTube आपके चैनल पर ये चेक करता है कि क्या आपके चैनल पर बैनर लगा हुआ है, तो मेरे चैनल पर बैनर लगा हुआ है। सेकंड चीज चेक करेगा क्या लोगो लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। फिर वो चेक करेगा आपके चैनल की वीडियोस को, अगर आपने वीडियोस नहीं डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डाल रखे हैं तो भाई वो चेक करेगा ठीक है। और फिर अगर अपन आ जाते हैं शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स में वो आपके पॉपुलर शॉर्ट्स को चेक करेंगे यूट्यूब टीम वाले कि क्या आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज करने लायक है या फिर नहीं है। अगर आपके चैनल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो आपके चैनल को जो है मोनेटाइज कर देंगे। यहाँ पर जो है इसमें लाइव वीडियो भी कुछ डले हुए हैं, तो चांसेस हैं कि ये जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और रही बात की इस टाइप के शॉर्ट्स हम जो है कैसे बनाते हैं, तो इस टाइप के शॉर्ट्स जो है आप बना सकते हैं, बहुत आसान रहते हैं काइनवेस्टर वगैरह ऐप से। एंड अब देखिए ये चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, और चैनल मोनेटाइज करने के बाद में अपन बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो जो है कमेंट में पार्ट टू लिख देना, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। एंड जब ये चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा तब मैं अपने चैनल पर वीडियो बना के डालूंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। एंड देखिए गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया था एंड उनका चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर थे और उनका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज था, उनका फर्स्ट पेमेंट आने वाला है ठीक है। अगर आपको वो इंटरव्यू देखना है उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अभी के अभी यहाँ क्लिक करो एंड इस मास्टरपीस इंटरव्यू को देखो, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी।